नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, PFMS पोर्टल की लगभग सभी वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये हमारी PFMS पोर्टल की पार्ट 9 की वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 8 की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको भी वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी 9 पार्ट की वीडियो के लिंक डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके आप सभी पार्ट को देखकर अपना PFMS का कार्य कर सकते हैं। PFMS पोर्टल का जितना भी आप कार्य करेंगे वो आपको PFMS रजिस्टर में दर्ज करना होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि PFMS पोर्टल रजिस्टर का प्रारूप किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या सूचनाएं दर्ज करनी होंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, ये रजिस्टर वैसे तो आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ ये अवेलेबल है। ये यहाँ पर अरहंत की एजेंसी है, वहाँ पर ये रजिस्टर छपवाया गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस रजिस्टर को वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये PFMS रजिस्टर यहाँ पर लगभग 120 रुपये का मिल रहा है। ये इसका एड्रेस है, अगर आप यहाँ से मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर हैं, मेरठ से दूर रहते हैं, तो आप इसको नहीं मंगा सकते, या आपके यहाँ मिल रहा होगा। इस तरह का एक रजिस्टर आप छपवा भी सकते हैं और क्या नाम इसको बना भी सकते हैं। देखिए, इसमें एड्रेस भी लिखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये रजिस्टर है PFMS, जिसमें सबसे पहले रजिस्टर इस तरह का होगा। इसमें विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद का नाम, यूडाइस कोड आपको दर्ज करना होगा, पत्रांक संख्या कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और दिनांक, ये आपको रजिस्टर में दर्ज करना होगा। देखिए, इसमें कॉलम है, सबसे पहले क्रम संख्या, जैसा आप जो भी आप भुगतान करेंगे उसमें क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद फर्म का नाम लिखेंगे, यानी किस फर्म को आपने भुगतान किया, उसके बाद उसका खाता संख्या लिखेंगे, उसका IFSC कोड लिखेंगे, बैंक का नाम और उसकी ब्रांच का नाम लिखेंगे, बिल संख्या, जो वो बिल आपको देगा वो बिल संख्या आप यहाँ दर्ज कर दीजिए, दिनांक लिख दीजिए, किस दिनांक को आपने ट्रांसफ़र किए, उसके खाते में ट्रांसफ़र हुए, धनराशि अंकों में और धनराशि शब्दों में, उसके बाद भुगतान का मद, किस मद से आपने भुगतान किया, आपने कंपोजिट ग्रांट से किया, चेक कार्यक्रम से किया, किस तरह से किया, वो आप इसमें लिख दीजिए, उसके बाद व्यय का विवरण आपने उसके बारे में बता दीजिए, आपने क्या क्या खर्च किया, उसके बाद PFMS नंबर, यानी PFMS नंबर से मतलब जब आप PPA जनरेट करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, PPA नंबर, आप PPA नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। उसके साथ साथ SMC अध्यक्ष के यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे, उसके बाद HM के हस्ताक्षर आपको करने होंगे, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह का ये रजिस्टर है, ये कॉलम आप बना लीजिए अगर आपको रजिस्टर नहीं मिलता है। लेकिन ये आपको जब भी आप कोई भी खर्च करेंगे कंपोजिट ग्रांट से PFMS के माध्यम से, तो वो सब आप इसमें दर्ज करना होगा। आप इजीली इसको बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बताना था कि इस रजिस्टर को आप तैयार कर लीजिए। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।